नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। किसान दिवस पर कटौतिया बुटी में आयोजित हुआ भव्य कवि सम्मेलन। विगत दिवस ग्राम कटौतिया बुटी में शहीद दिवस के अवसर पर भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। पिछले 9 वर्षों से निरंतर शहादत दिवस पर आयोजित होता आया यह कवि सम्मेलन कल भी उसी ऊंचाई पर पहुंचा जिसके लिए यह वांछित था। आमला से आए सुकवि कैलाश सलाम द्वारा सुमधुर स्वर में माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात वारा सिवनी से आए कवि अंतु झकास ने हास्य की चाशनी में डूबी अपनी प्रस्तुति से माहौल को असीम ऊंचाई प्रदान की। डागरवारा से आए कवि विनीत नामदेव जी ने ओज से भरी कविता सरिता में लोगों को गोते लगाने पर विवश कर दिया। उसी का परिणाम था कि रह रहकर श्रोतागण भारत माता की जय कारे के नारे लगा रहे थे। हरदा से पधारी कवियत्री ज्योति जलज ने अपने गीत गजलों से बेहतरीन समा बांधा। उसके बाद भोपाल से आए देश के श्रेष्ठ हास्य कवि दीपक दनादन जी ने अपनी संक्षिप्त किंतु दनादन पारी के साथ श्रोताओं को खूब हंसाया। हास्य के अतिरिक्त उनके देशभक्ति युक्त कविता ने लोगों का दिल जीत लिया। कवि कैलाश सलाम जी के गीत गजलों के साथ देशभक्ति रचनाओं की प्रस्तुति दी। चेन्नई से पहुंचे कवि मनोज मद्रासी ने भी अपने चीर परिचित फिटोली भरे अंदाज से काव्य पाठ कर लोगों को खूब हंसाया। खेड़ली बाजार मुलताई से आए कवि दीपक साहू ने अपने उत्कृष्ट संचालन के साथ उत्तमोत्त काव्य पाठ किया। कार्यक्रम संयोजक एवं कार्यक्रम सूत्रधार रामनाथ यदुवंशी ने लोगों का आभार प्रदर्शन कर आने वाले भविष्य में भी देश के लिए कुर्बान हुए वीर शहीदों की याद में इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहने की घोषणा की। कार्यक्रम के विशेष सहयोगी प्रसन्न पटले, यशवंत नंदवंशी, जगदीश यदुवंशी, महेश यदुवंशी, कैलाश यदुवंशी, बेदी जी, देवी राम पहाड़े मुख्य अतिथि के रूप में राजू नंदवंशी, जनपद सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अरुण परते जी, लोकसभा प्रत्याशी रहे श्री धनी राम यदुवंशी जी, उनके साथ आए शिवराम यदुवंशी, अभिराम यदुवंशी, सुरेश यदुवंशी, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी हरिदा गढ़ अध्यक्ष भाई दुर्गा यदुवंशी जी, ग्राम पंचायत बिंद्रई सरपंच तनुराम धुर्वे जी, होली राम यदुवंशी जी, ढाकरवाड़ी मलेश्वर यदुवंशी, आयोजन कमेटी की टीम विजय कुमार यदुवंशी, दिलीप कुमार यदुवंशी, छविलाल यदुवंशी सहित ग्राम के गणमान्य नागरिक एवं आसपास के ग्रामों के श्रोताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद उठाया। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस नवे गाँव से मुकेश सेना की न्यूज। सुनाया जाएगा कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोए। बार ताके यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, तो मैं अब तो मेरी किस्मत भी तेरी चेरी हो गई, अब मैं ता कयामत तक तेरी हो गई, और ये पीओके और सीएचएन में जो अपना हिस्सा बचा हुआ है मैंने इनको बुझाओ कि संगति मद्रासी जी आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि सीएचएन और पीओके में जो अपनी जो अपना हिस्सा बचा हुआ उनको बुझाओ कि संगति अंतिम पंक्तियां विदाई की आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि अब तो मेरी किस्मत भी तेरी चेरी हो गई, अब मैं ता कयामत तक तेरी हो गई, और मुझे पता है तुम विपरीत परिस्थितियों में भी डरोगे नहीं, मुझे पता है तुम विपरीत परिस्थितियों में भी डरोगे नहीं, कायर के भांति दुश्मन के पीठ पर वार करोगे नहीं, अब तुम सब मिलकर दुश्मन के सीने में कटारी घोप दो, और अब भी मेरी भुजाएं दुश्मन के खेमे में है वापस मुझको सौंप दो, कि अब भी मेरी भुजाएं दुश्मन के खेमे में है वापस मुझको सौंप दो, फिर इन दो भुजाओं से मैं तुम्हें दुलार करूंगी,
जी चुमूंगी तेरा भाल, तुझे जी भर भर के प्यार करूंगी, फिर इन्हीं दो भुजाओं से, फिर इन्हीं दो भुजाओं से मैं दुश्मनों के हर लूंगी प्राण। अब युग युग तक जिएगा मेरा हिंदुस्तान, अब युग युग तक जिएगा भारत, अब युग युग तक जिएगा वंदे वंदे। भैया रामनाथ विद्वंशी जी, आभार के लिए आपसे निवेदन की है और मेरे से गलती भी हुई है, क्षमा भी चाहूंगा। हमारे रामनाथ भैया बड़े बड़े मंचों पर गए भी है, टीवी चैनलों पर बड़े, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी चार आठ मुक्तक जाए। एक बार जोरदार तालियां होती हमारे रामनाथ भाई, पहले अपने मुक्तक चार आठ और फिर उसके बाद में आप। हमारे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ है, आप लोगों का आत्मीय आभार। मैंने डिसीजन इसलिए लिया कि आप जैसे पूरे देश में आप लोगों को सुना करते हैं, मैंने सोचा कि मैं एक तुच्छ एक छोटा सा व्यक्ति आप लोगों से कुछ सीखूं, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ काव्य पाठ ना करूं। फिर भी अगर आपने कहा है तो मैं ये पंक्तियां रखता हूं कि निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला है, निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला है, किरदार उसका वो आदमी बड़ा भला है, किरदार उसका संजीदा वो आदमी बड़ा भला है, आंधिया आई कई तूफा भी वो डरा नहीं आदित्य, वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला है, वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला है, कि खुशहाली की आबो हवा इस युग का उत्थान हो, बढ़िया खुशहाली की आबो हवा इस युग का उत्थान हो, प्रगतिशील हो धरा हमारी किंचित न व्यवधान हो, प्रगतिशील हो धरा हमारी किंचित न व्यवधान हो, और इस जहां में युगो युगो तक मेरा देश महान हो, इस जहां में युगो युगो तक मेरा देश महान हो। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अब समय बहुत अधिक हो गया है, आप सभी लोग हमारे एक छोटे से निवेदन पर यहां पहुंचे, आप सभी का अंतर्मन की गहराइयों से मैं अभिवंदन करता हूं, वंदन करता हूं और